तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के पहले धाम यमुनोत्री की मैं बात करूं, उसके बाद हमारा दूसरा धाम होता है गंगोत्री। तो खूबसूरत है, यमुनोत्री धाम से ही आपको जब गंगोत्री के लिए निकलते हैं तो यही रास्ते में गंगनारी के बाद ये काशी विश्वनाथ का मंदिर और खूबसूरत जो है हरसिल का ये नज़ारा। बात करूं मैं यहाँ पे गंगनारी की, जो कि हमारे बड़कोट से 7 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग यहाँ पे ये काफ़ी प्यारा संगम 3 नदियों का यहाँ पे देख सकते हैं। और यमुना नदी के किनारे स्थित ये गंगनारी यहाँ पे काफ़ी प्राचीनतम। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ यमुनोत्री धाम से गंगनारी, जो कि यमुनोत्री धाम से पहले आपका 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो सामने आप ये यमुना नदी को देख सकते हैं, जो कि हमारी यमुनोत्री धाम से आती है। और बात करूं मैं गंगनारी की, तो इसका भी एक अपना ही रहस्य है यहाँ पे, जो कि आपके यमुनोत्री धाम को जाते समय आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अभी जो है यमुनोत्री धाम से आते लगातार जो है इस टाइम बारिश यहाँ पे चल रही है। अभी जो मैं आप लोगों को आगे गंगनारी में जो कुंड है हमारा, काफ़ी पवित्र कुंड को माना जाता है, वहीं लेके जा रहा हूँ। तो अभी सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गंगनारी में जो मंदिर है हमारा, सामने ही जो है कुंड भी है। और साथ ही साथ आप पानी की आवाज़ कल कल बहती हुई, काफ़ी प्यारा ये नज़ारा है इस टाइम। और पूरा कुंड को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी फुल जो है यहाँ पे कुंड पानी से भर चुका है। और लगातार जो है बारिश भी हमारी चल रही है यहाँ पे। काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ इस कुंड में दर्शन के लिए यहाँ स्थानीय लोग नंगे पाँव जो हैं यहाँ पे आते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों की जहाँ भी जो मंदिर होता है, सबकी अपनी अपनी परंपरा, मान्यताएं और भगवान के प्रति आस्था होती है। बाकी सामने आप ये कुंड यहाँ पे देख सकते हैं, और कुंड के पास ही आप लोगों को छोटा सा ये प्यारा सा मंदिर, यहाँ पे कहते हैं कि भगवान परशुराम जी के पिता जो जमग्र ऋषि ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी, हालांकि वे गंगा जल लेने उत्तरकाशी जाते थे। और इसी के साथ यहाँ पे सामने वाली नदी जो हमारी होती है, 3 नदियों का यहाँ पे संगम माना जाता है, जिसमें सरगाड़ और सरस्वती कहते हैं। बगल में जो है हमारी यमुना नदी रहती है, और तीसरी धारा है जो कि जमदगिरी ऋषि की तपस्या से गंगा के रूप में प्रकट हुई है। तो 3 नदियों का ये पवित्र संगम यहाँ पे गंगनारी में। और इसी के साथ खूबसूरत ये पानी का यहाँ पे नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, जो कि कुंड से बाहर सीधा हमारा संगम में जाता है यहाँ से। बाकी इसी के साथ आप स्थानीय लोगों के हाव भाव देखकर भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की इस कुंड से यहाँ पे गंगनारी में जो आस्था है, जिस तरह से लोगों का यहाँ पे रिएक्शन है। तो ये एक चीज़ देखने लायक होती है हम लोगों की, स्थानीय लोगों का उस चीज़ के प्रति समर्पण, प्यार, आस्था को देखकर। और पास में जो यमुनोत्री से हमारी यमुना नदी आती है, वो कुछ इस प्रभाव से यहाँ पे बहती है। तो दोस्तों, यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ रास्ते में ये मंदिर हमारा जय है कचूर देवता का। तो फाइनली मैंने दोस्त से बात की थी, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे मंदिर है और इसी में जो है सिरपल फोड़ना है। तो अभी मैं मंदिर में यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से उत्तरकाशी। गंगनारी के बाद अब मैं पहुँचा हूँ उत्तरकाशी के काफ़ी करीब यहाँ पे, और यहीं पे जो है डुंडा में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर में से भी एक यहाँ पे हमारा कचूर देवता का ये मंदिर। तो इसकी भी अपनी एक पौराणिक गाथा है, कहते हैं कि जो यहाँ पे कचूर देवता है, ये स्थानीय लोगों का काफ़ी जो है लोग मानते हैं इन्हें, क्योंकि काफ़ी समय पहले इन्हें जो है यहाँ के आसपास के क्षेत्र का रक्षक भी के रूप में इन्हें माना जाता है। वैसे कचूर देवता को जो है घोड़े की सवारी करना बहुत पसंद था, और इसी के पीछे कहानी है कि ये अपनी सिस्टर को लेने यहीं पे आए थे। और जब ये आगे जंगल के रास्ते निकलते हैं, तो ये रास्ते में आराम के लिए बांसुरी बजाते, तो वहीं से इन्हें जो है जो आछरी रहती हमारी, जिन्हें परियाँ भी कहते हैं, जो कि नव दुर्गा के रूप होते, तो उन्हीं ने इनको हर लिया था। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य रहता है यहाँ पे। बाकी ये भागीरथी नदी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ बहाव के साथ भागीरथी नदी का। और उसके बाद निकल पड़ा मैं अब उत्तरकाशी में टनल से, आप लोग देख सकते हैं। तो उत्तरकाशी जो है फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ, और स्टे करने के बाद कल मैं निकलूँगा फिर गंगोत्री धाम के लिए। और शाम का ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप उत्तरकाशी मार्केट का यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्तरकाशी की मैं बात करूँ, सबसे फेमस मंदिर रहता हमारा यहीं पे श्याम की आरती, काफ़ी भव्य और
देखने लायक रहती है। बाकी दोस्तों शाम का ये समय है और अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्तरकाशी में, बाकी देखते हैं यहाँ से। और अभी मैं जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। बाकी अब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, यहीं पे आप बस स्टैंड से होते हुए ही मंदिर की तरफ जा सकते हैं। बात करूँ मैं रोड से ही, आपका मंदिर 100 मीटर की दूरी पर है और आसपास आप लोग देख सकते हैं जो बस स्टैंड है उत्तरकाशी में हमारा, तो यहीं से आप लोगों को टर्न यहाँ से लेना पड़ता है। बाकी श्याम का ये स्टैंड का, यहाँ पे बस स्टैंड के पास ही आपको मंदिर का जो प्रवेश द्वार दिखेगा और यहीं से जो है 200 मीटर की दूरी पर ही आप लोग जब मंदिर की तरफ बढ़ोगे तो यहीं मंदिर के आसपास ही आपको सारी जो है पूजा से रिलेटेड सामग्री के साथ साथ, इस टाइम जो है सेब का सीजन रहता है हमारा, तो काफ़ी जो है सेबों की ये दुकानें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बढ़ता हूँ मैं आगे मंदिर की तरफ दोस्तों। तो चारधाम यात्रा में सबसे प्यारा ये पड़ाव भी आप लोगों को यहाँ पे उत्तरकाशी में सबसे प्यारा ये मंदिर महादेव का दर्शन करने के लिए मिलता है। बाकी शाम की जो आरती रहती है यहाँ पे काफ़ी प्यारी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। भगवान शिव को समर्पित ये काशी विश्वनाथ का मंदिर, काफ़ी भव्य नज़ारा आप लोगों को शाम को गंगा आरती का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और कहते हैं कि इस मंदिर को जो है ऋषि परशुराम ने ही बनाया था और बाद में जो हमारे गढ़वाल के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाता रहा है। और ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसे कलयुग के दूसरे भाग से अपना निवास स्थान मानते हैं। और ये इसी के साथ ये भी यहाँ पे मान्यता है कि जब काशी या वाराणसी हमारे जलमग्न हो जाएंगे तो भगवान काशी विश्वनाथ को उत्तरकाशी के इसी मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ जो सबसे मुख्य आकर्षण एक विशाल और भारी त्रिशूल है जिसे देवी ने शैतानों पर फेंका था, और इसी के साथ मां को शक्ति के यहाँ एक विशाल त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है। और इसी को उत्तराखंड के सबसे प्राचीनतम अवशेषों में से एक जो है माना जाता है। इसी के साथ अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो त्रिशूल की एक अद्भुत विशेषता यह है कि इसे आप अपने पूरे शरीर के बल से नहीं हिला सकते, लेकिन जैसे ही आप अपनी किसी उंगली से दबाव डालते हैं तो ये कंपन करने लगता है। और इसी के साथ जैसे जैसे आप गंगोत्री धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हरसिद्ध के पास ही काफ़ी खूबसूरत बरसात के टाइम पे इसी तरह के नज़ारों के साथ आप पहुँचोगे लंका पुल, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। और नीचे ही आप लोग गंगा, जो हमारी भागीरथी नदी आती है गंगोत्री धाम से, तो उसके साथ ही साथ ये खूबसूरत कुछ इस तरह से रास्ते में ये भीड़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी प्यारे प्यारे नज़ारे आप लोगों को हमारे यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम को जाते समय इस तरह कुछ नज़र आएंगे। तो दोस्तों तो दोस्तों गंगोत्री धाम की मैं बात करूं तो आपको ना जब रास्ते में हरसिल पड़ेगा तो वो हरसिल जो है फेमस है सेब के लिए, और सीजन में मैं अभी आया हूं और सेब ही सेब आप लोगों को जगह जगह काफी पेड़ जो है यहां पे सेब ही सेब के नजर आएंगे। तो अभी जो है मैं भी यहाँ से सेब ले रहा हूँ अपने लिए घर के लिए, और सेब आप तो एकदम ताजे सेब देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जो है पेड़ से ही तोड़े हैं मैंने बात की थी इनसे। बाकी लोकल के लिए थोड़ा सस्ते यहाँ पे लगा देते हैं ये लोग, वैसे नॉर्मल जो है आपका 60-70-80 रुपए किलो मिलते हैं यहाँ पे, बाकी ये वाले जो है 80-90 रुपए किलो ये भी है। बाकी कुछ खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ पे हरसिल का आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पे सेब ही सेब नजर आएंगे इस टाइम।